Have a nice day. To all my students and friends, myself Nanej Santalal, Associate Professor, Government Lohia PG College, Churu, Rajasthan. Today, we will discuss on schemata. Schemata एक छिपकलियों की और सांपों की यानी लिजार्ड्स और स्नेक्स का एक ग्रुप है या एक ऑर्डर है। रेप्टिलिया का जब क्लासिफिकेशन किया था तो डायप्सिडा के अंदर तीन ऑर्डर ऐसे बताए थे जिसके जंतु जीवित हैं, स्क्वेमेटा, रिंकोसेफेलिया, जिसमें स्पिनोडोन पंक्टेटम एक ही जाति या एक ही जंतु जीवित है जिसको जीवा लिविंग फॉसिल की संज्ञा दी गई है, और तीसरा था क्रोकोडिलिया। स्क्वेमेटा वर्ड इज मेड अप ऑफ वन लैटिन वर्ड एंड वन ग्रीक वर्ड। लैटिन वर्ड स्क्वेमा मीन्स स्केल सल्क या स्क्वेमेटस मीन्स स्केली यानी सल्कों युक्त। ग्रीक वर्ड एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स जंतुओं का ऐसा समूह जिसके शरीर के ऊपर सलक पाए जाते हैं स्केल्स पाए जाते हैं उनको स्क्वेमेटा कहते हैं। इसमें छिपकलियां आएंगी लिजार्ड्स आएंगी स्नेक्स आएंगी। अब स्क्वेमेटा के अपन 12 करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से पहला है बॉडी स्मॉल टू मीडियम इन साइज, शरीर छोटे से लेकर के मध्यम आकार का होता है मोस्टली, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, लंबा होता है और बेलनाकार होता है। सेकंड, दे आर एडवांस्ड, सुविकसित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो लिजार्ड्स और स्नेक्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर एडवांस इन नेचर। थर्ड वन, लिम्स विद क्लॉज, लिम्स के अंतिम छोर पर नखर पाए जाते हैं। एंड अब्सेंट इन लिम्स की बात कर रहा है, अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, अग्रपाद और फोर लिम्स और हैंड लिम्स की बात हो रही है। फोर लिम्स और हैंड लिम्स नखर युक्त होते हैं बट अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, लगभग सभी सर्पों में लिम्स का अभाव होता है। और कुछ छिपकलियां भी ऐसी होती हैं, फ्यू लिजार्ड्स, जिनमें लिम्स की अनुपस्थिति होती है लेकिन संख्या में बहुत अल्प होती हैं, बहुत फ्यू, वेरी माइन्यूट, वेरी फ्यू। फोर्थ, क्लोएका का जो छिद्र खुलता है वो बॉडी के 90 डिग्री कोण की यानी कॉडल रीजन में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अनुप्रस्थ रूप से एक दरार नुमा स्लिट लाइक छिद्र के रूप में क्लोएकल एपर्चर पाया जाता है।
transverse or slit like. Heart incompletely four chambered, यानी two auricles बन गए, लेकिन एक ventricle जो होता है वो incompletely divide होता है, इसलिए reptiles में पाए जाने वाले जंतुओं को थ्री एंड हाफ chambered हार्ट बोलते हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो टू ऑरिकल कंप्लीटली, दो आलिंद और ये मान के चलिए एक नीले पूर्ण है जबकि दूसरा नीले पूरा बना नहीं है, इसलिए हृदय में कक्षों की संख्या थ्री एंड हाफ बताई है। मेल विद इवर्सिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, मेल के अंदर दो जिनको हेमिपेनिस कहते हैं, मेथुनांग पाए जाते हैं और बही वर्तनशील होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कॉपुलेशन के दौरान शरीर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा बॉडी के अंदर ही वापस प्रवेश कर जाते हैं। अब बात आई दांतों की। स्नेक्स में पाए जाने वाले दांतों को बोलते हैं, पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं उनको तो बोलते हैं फैंग्स, लेकिन सामान्यतः अपन स्नेक्स में जो पॉइजनस स्नेक जो टिथ होते हैं उनको फैंग्स कहते हैं, लेकिन लिजार्ड्स और स्नेक्स दोनों पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ नॉन पॉइजनस और पॉइजनस दोनों प्रकार की जातियां आएंगी। तो टिथ एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट का मतलब है जबड़े के अग्र भाग पे, प्लूरोडोंट का मतलब है जबड़ों के पार्श्व भागों में दांत उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट एट्थ करेक्टर, आपको ये मैंने रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन वीडियो नंबर 17 में बताया था कि रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो टेम्पोरल फॉसी, टेम्पोरल रीजन में पाए जाने वाले छिद्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति और उनकी संख्या के आधार पर चार उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। कुछ के अंदर टेम्पोरल फॉसी अनुपस्थित होते हैं, कुछ के अंदर एक जोड़ी होते हैं, कुछ में दो जोड़ी होते हैं स्कल में। और टेम्पोरल रीजन स्कल का कौन सा होता है? डोर्सो पोस्टीरो लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल, डोर्सो पोस्टीरियर, ये देखिए मैं गर्दन के तरफ हाथ लगा रहा हूं, डोर्सल साइड है ये है और पोस्टीरियर है ही, और लेटरल पोजीशन में, लेटरल का मतलब पीछे की ओर, इस क्षेत्र को टेम्पोरल रीजन कहते हैं। यहां जो छिद्र खुलते हैं उनको टेम्पोरल फॉसी कहेंगे, प्लूरल वर्ड फॉसी, फोसा सिंगुलर वर्ड होता है यानी पोर या छिद्र होते हैं। वन और टू पेयर टेम्पोरल फॉसी अपियर्ड इन यंग स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में एक या दो जोड़ी टेम्पोरल छिद्र प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में लेटर ऑन दे मे बी बिकम एक्सटिंक्ट इन स्नेक्स, लेकिन बाद में सर्पों में या स्नेक्स में तो पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं ड्यूरिंग एडल्ट कंडीशन। बट वन पेयर टेम्पोरल फॉसी रिमेन्स इन लिजार्ड्स, लिजार्ड्स के अंदर एक जोड़ी टेम्पोरल फॉसी सदैव उपस्थित रहती है। नाइन्थ कैरेक्टर आ रहा है, एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, या तो एपिडर्मल स्केल्स का बना हुआ होता है जो कि खुरदरे होते हैं, हॉर्नी होते हैं, सरंगीय होते हैं। शील्ड, शील्ड का मतलब है कि स्केल्स मिलकर के और प्लेट नुमा रचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, ढाल बोलते हैं,
शील्ड का निर्माण कर लेते हैं, शील्ड का बना हुआ होता है, और कांटे भी पाए जाते हैं, स्पाइन्स भी पाए जाते हैं। टेंथ, वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाली जितनी भी वर्टिब्री होती हैं, कशेरुकाएं होती हैं, वो अग्रगर्ती होती हैं, प्रोसिलस होती हैं, यानी सेंट वर्टिब्रम की मुख्य बॉडी का नाम होता है सेंट्रम। सेंट्रम के अग्र भाग में गड्ढा पाया जाता है, यानी कॉनकेव होता है, अवतल होती है। अगर एंटीरियर पार्ट सेंट्रम का, क्योंकि मेन बॉडी कोई भी वर्टिब्रा होगा उसकी नाम सेंट्रम होगा, उससे क्या निकलते हैं, प्री जाइगोफाइसिस, पोस्ट जाइगोफाइसिस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, न्यूरल स्पाइन, अंदर से निकलती है न्यूरल केनाल जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। प्रोसिलस यानी आगे गड्ढा, पीछे गड्ढा नहीं पाया जाता, उभार ही पाया जाता है, इसलिए इनमें पाई जाने वाली वर्टिब्री अग्रगर्ती होंगी। क्वाड्रेट मूवेबल होती है, क्वाड्रेट बोन स्कल की जो है जो जबड़े के साथ आकर के जुड़ती है, जबड़ों के साथ आकर के जुड़ती है, वो गतिशील होती है। और शरीर के जिन जिन क्षेत्रों के अंदर पसलियां पाई जाती हैं उनमें एक तरफ हेड पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं रिब्स, सिंगल हेडेड। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, या डिफरेंसेस बिटवीन स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। सांपों में, छिपकलियों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों की मिथ्या धारणाएं हैं कि वेरनेस पॉइजनस है, जबकि वेरनेस पॉइजनस नहीं होता। छिपकलियां पॉइजनस हैं, जबकि छिपकलियां सभी पॉइजनस नहीं होती। स्नेक्स सभी पॉइजनस हैं, जबकि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। ये अवधारणाएं आपकी यहां पे क्लियर हो जाएंगी। स्क्वेमेटा इज ए ऑर्डर, स्क्वेमेटा ऑर्डर इज डिविजिबल इनटू टू सब ऑर्डर्स, लेसर्टिलिया एंड ऑफिडिया। इधर देखिए, लेसर्टिलिया कर्सर के साथ में रहिए, जिसका दूसरा नाम है शौरिया। इनमें लिजार्ड्स आती हैं, छिपकलियां आती हैं। ऑफिडिया का दूसरा नाम है सर्पेंटाइना, सर्पेंटाइना में स्नेक्स आते हैं। तो इधर बाई साइड के अंदर मैंने 15 बिंदुओं के आधार पर आपको डिफरेंसेस जितने अंतर हैं छिपकलियों में और सांपों में, वो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरी समझ में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, ध्यान से सुनोगे तो। छिपकलियों में देखिए, लिजार्ड्स में बॉडी इलोंगेटेड लिजार्ड लाइक, लंबी होती है बॉडी, छिपकली जैसी होती है। घर में पाए जाने वाली छिपकली, हाउस लिजार्ड या वॉल लिजार्ड पाई जाती है, वो सभी लोगों ने देखी होगी, लंबी होती है। बट इन स्नेक्स बॉडी लंबी तो है, बट सिलेंडर या सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, नेरो थोड़ी संकरी होती है, स्नेक लाइक होती है। सेकंड, बहुत लिम्स एंड गर्डल्स यूजुअली वेल डेवलप्ड। छिपकलियों के अंदर पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, फोर लिम्स के पास में पाए जाने वाली पेक्टोरल और हैंड लिम्स के पास में पाए जाने वाली पेल्विक गर्डल्स सामान्यतः सुविकसित होती है, जबकि स्नेक्स के अंदर जब फोर लिम्स और हैंड लिम्स है ही नहीं या वेस्टिजियल कंडीशन में हैं, तो ये अब्सेंट होंगी या वेस्टिजियल होंगी।
hind limbs and pelvic girdles in boa and python. Vestigial हैं किस में बोवा एंड पाइथन, जिसमें सेंड बोवा या अजगर कहते हैं उनमें ये अवशेष के रूप में पाई जाती है, अवशेषी होती है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर आ रहा है, छिपकलियों की पलकें गतिशील होती हैं, आईलिड्स मूवेबल होते हैं और निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे अपड़े में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरफ आँख की नाक की तरफ कोड़े में एक छोटे से एक डॉट के रूप में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन निमेषक पटल पड़ी है, जबकि इनमें निमेषक पटल आँखों के आगे पाई जाती है। तो आईलिड्स या पलकें गतिशील होती हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है लिजार्ड्स में, वेयर एज इन स्नेक्स जब सांपों में देखते हैं तो आईलिड्स फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, अगतिशील होते हैं, इमूवेबल होते हैं। सांपों की कभी भी आंखें पलकों के द्वारा न तो बंद होती हैं न पलकें खुलती हैं, इसका मतलब फिक्स्ड होती हैं, इसलिए आंखें सदैव खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स भी अनुपस्थित होगी, ये इनमें मुख्य अंतर आ रहा है। फोर्थ, ईयर ओपनिंग एंड टिम्पेनिंग प्रेजेंट इन लिजार्ड्स, ईयर की ओपनिंग बाहर खुल रही है। टिम्पेनिंग यानी ईयर ड्रम कहते हैं, आपको पता है मिडल ईयर से पहले कान का पर्दा पाया जाता है, वो छिपकलियों में उपस्थित होता है, बट स्नेक्स के अंदर ऑडिटरी ओपनिंग एंड टिम्पेनिंग लॉस्ट। ये ऑडिटरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हियरिंग में मदद करती है, जो वाइब्रेशंस बाहर से आते हैं वो इनसे टकरा करके मिडल ईयर के अंदर जाते हैं। मिडल ईयर के अंदर तीन हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, और सम्मिलित रूप से ईयर ऑसाइकल कहते हैं, और वहां से इंटरनल ईयर के पास जाती हैं। इंटरनल ईयर ब्रेन को सूचना देता है। तो ऑडिटरी ओपनिंग्स एंड टिम्पेनिंग सांपों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, मैक्सिली पैलेटाइन्स एंड टेरिगोइड फिक्स्ड होती हैं। वैसे ये स्कल बोन्स होती हैं, ऊपरी जबड़े से मैक्सिली पैलेटाइन्स ये ऊपरी जबड़े से जुड़ी हुई होती हैं, से संबंधित होती हैं, बट स्नेक्स के अंदर दीज स्कल्स बोन फ्रीली मूवेबल, लेकिन सांपों में ये जो खोपड़ी में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं मैक्सिली पैलेटाइन्स एंड टेरिगोइड्स, जो छिपकलियों में स्थिर थी, ये गतिशील होती हैं सांपों में और ये मदद करती हैं बाइटिंग मैकेनिज्म्स में। सर्प को किसी जंतु के दसने में, बाइटिंग, काटने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, टू रेमाई, टू रेमाई ऑफ मेंडिबल यानी दो शाखाएं मेंडिबल की फर्मली यूनाइटेड एंटीरियरली आगे की ओर बहुत सघन रूप से जुड़ी हुई होती हैं। माउथ नॉन एक्सपेंसिबल होता है, माउथ में कोई लचीलापन नहीं पाया जाता है, यानी माउथ का फैलाव नहीं हो सकता। जबकि स्नेक्स में देखिए मैंडिबुलर रेमई जॉइंड बाई एन इलास्टिक लिगामेंट, ये मैंडिबल की जो दो शाखाएं हैं वो एक लचीला लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और कैन बी वाइडली सेपरेटेड ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ लार्ज प्रे, और ये बहुत दूर दूर वाइडली सेपरेट हो जाती हैं जब ये शिकार जो खेला है
उसको शरीर के अंदर जब निगलते हैं, स्वेलोइंग का मतलब है निगलना, शिकार को जब निगलते हैं तब ये दूर दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट, प्री मैगजिली, ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाली बोन, बियर कॉनिकल टीथ, शंकु के आकार का, शंकु का आकार का मतलब आगे से पॉइंटेड टीथ पाए जाते हैं, लेकिन स्नेक्स के अंदर प्री मैगजिली आर टूथलेस, प्री मैगजिली के ऊपर दांत नहीं पाए जाते, दंत विहीन होती हैं। एट टंग रेयरली नॉस्ट और एक्सटेंस, यानी जीवा जो होती है टंग, वो रेयरली नॉस्ट यानी बहुत कम नोकदार होती है, आगे से नुकीली होती है, और एक्सटेंसिल और रेयरली एक्सटेंसिल का मतलब लचीलापन या फैलने की क्षमता भी कम होती है, लेकिन सांपों में टंग सिलेंडर होती है, बले यानी नुकीली या बेलनाकार, द्विशाखीय होती है, बाइफिड होती है, एंड एक्सटेंसल, एक्सटेंसल यानी ये मानिए कि लचीली होती है। नेक्स्ट, कोडल ऑटोटॉमी विद रीजनरेशन इन सम स्पीसीज, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑटोटॉमी? कोई जंतु अपने अंग को स्वतः त्याग देता है, अपने आप त्याग देता है, उसको ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटो, ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, जैसे ऑटोमोबाइल स्वचालित अपने आप चलता है, उनको तो चलाने वाले राइडर की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रोबोट हो। तो कॉडल ऑटोटॉमी विद रीजनरेशन इन सम स्पीसीज, कॉडल के अंदर अगर कोई भाग पूछ टूट जाए या पूंछ का स्वांगो छेदन कर दें इच्छा से, तो वापिस रीजनरेट हो जाती है कुछ जातियों में, लेकिन ऐसा स्नेक्स में नहीं पाया जाता। टेंथ, बोथ लंग्स इक्वली डेवलप्ड, लिजार्ड्स में पाए जाने वाले जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो समान रूप से डेवलप होते हैं, एक ही रूप में डेवलप होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। लेफ्ट बट इन ओफिडिया या स्नेक्स, लेफ्ट लंग ग्रेटली रिड्यूस्ड, बायां फेफड़ा अत्यधिक ह्रासित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सिर्फ फंक्शनल जो होता है वो राइट लंग ही होता है। नेक्स्ट, 11th पॉइंट, स्कल के पोस्टीरियर रीजन में पाए जाने वाली ऑक्सीपिटल कुंडाइल का पॉइंट आ रहा है। लिजार्ड्स में ऑक्सीपिटल कुंडाइल एक होता है, जबकि स्नेक्स के अंदर ऑक्सीपिटल कुंडाइल ट्रिपल या तीन होते हैं, ऑक्सीपिटल कुंडाइल, 3 ऑक्सीपिटल कुंडाइल्स प्रेजेंट। अभी तक डाइकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक ही पढ़ा है, ट्राइकोंडाइलिक नाम आ रहा है वो स्नेक्स में है। स्कल अगर एक ऑक्सीपिटल कुंडाइल है तो मोनोकोंडाइलिक, और 3 है तो ट्राइकोंडाइलिक होगा। ये भी एक अजीब सा पॉइंट आया है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर शॉर्ट, लिजार्ड्स के अंदर परमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन स्नेक्स के अंदर ये एक्सट्रीमली इलोंगेटेड होते हैं, अत्यधिक मात्रा में बड़े हुए होते हैं, और प्रोजेक्ट बिटवीन द आई यानी आँखों के बीच तक ये व्यवस्थित हो जाते हैं।
इनका समायोजन होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कट, क्रेनियन नर्व की संख्या रेप्टिलिया एवीज और मेमेलिया में 12 पेयर्स बताते हैं और पिसीज और एम्फीबिया के अंदर 10 पेयर्स होती हैं, लेकिन लिजार्ड्स में तो 12 पेयर्स होती है, जबकि स्नेक्स के अंदर ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व पेरिफेरल नर्व जो होती हैं उनको क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, उनकी संख्या 10 पेयर्स होती है। यानी ये एम्फीबिया के साथ में समझाता प्रकट कर रहा है। देन स्टर्नम और एपिस्टर्नम, स्टर्नम वेंट्रल साइड में किसी भी जंतु के अदर सतह पे जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। एपिस्टर्नम जो होता है वो प्लूरल साइड में होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर मोस्टली प्रेजेंट। छिपकलियों के अंदर स्टर्नम एपिस्टर्नम और मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है, बट दीज आर अब्सेंट इन स्नेक्स या ऑफिडिया। लास्ट पॉइंट आ रहा है बट नॉट लिस्ट, अबाउट 3,800 लिविंग स्पीसीज नॉन टिल दीज ईयर्स। यूं तो कैसे कह दूं कि आज तक अबाउट लगभग 3,800 जातियां लिजार्ड्स की जीवित हैं, जबकि सांपों की 3,000 जातियां आज विद्यमान लगभग विद्यमान हैं। अब आ रहे हैं उदाहरण एग्जाम्पल्स। लिजार्ड्स में ड्रेको आ रहा है जिसको फ्लाइंग लिजार्ड या फ्लाइंग ड्रैगन्स कहते हैं, यानी इसमें उड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि फॉरलिम्ब और हैंडलिम्ब के बीच में पाए जाने वाली स्किन जो होती है वो फैल करके टेजियम नामक टेजियम विंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं, जिसके कारण से इसमें उड़ने का अनुकूलन या उड़ने की कैपेसिटी उत्पन्न हो गई। फ्राइनोसोमा डेजर्ट में पाए जाने वाला एक लिजार्ड है जिसके सिर पर 2 सरंग या हॉर्न्स पाए जाते हैं, ग्रेट हॉर्न लिजार्ड बोलते हैं। कुछ लोग इसको ग्रेट हॉर्न टोड भी बोलते हैं, क्योंकि टोड से मिलती जुलती तो इनकी संरचना होती है और हॉर्न होते ही हैं, सरंग होते ही हैं, सींग जैसी संरचना है। हेमिडेक्टाइलस सामान्य छिपकली है, हाउस लिजार्ड बोलते हैं या दीवारों पर पाए जाने वाली वाल लिजार्ड्स होती है। और हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड है, सिंगल पॉइजनस लिजार्ड आई है जो इंडिया में नहीं पाई जाती, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका मेक्सिको इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाने वाली पॉइजनस लिजार्ड्स है। सौभाग्य है कि ये इंडिया में नहीं पाई जाती है। हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड, वेरनस मॉनिटर लिजार्ड होती है जिसको यहाँ गोहिरा बोलते हैं लोकल प्रचलित भाषा में वेरनस, और यूरोमेस्टिक्स सांडाज होता है उससे मिलता जुलता जीनस है ये। ये नॉन पॉइजनस होता है, लोग माइथोलॉजी है कि वेरनस यानी गोहिरा पॉइजनस होता है बट नॉन पॉइजनस होता है। इनके फंगल इन्फेक्शन से, इसके काटने से फंगल इन्फेक्शन से जब किसी भी जंतु की मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसमें पॉइजन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती और न ऐसे कोई दांत पाए जाते जिनके अंदर पॉइजन ग्लैंड से जुड़ी हुई कोई संरचना हो। तो दे आर यानी दिस इज नॉन पॉइजनस लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड होती है, लिजार्ड्स का राजा मॉनिटर होती है।
कई एक विदेशों में पाए जाने वाला, तो 15-15 मीटर लंबे वेरनस पाए जाते हैं। इधर स्नैक्स के अंदर मैंने आपको दो रूपों में बताया है, विषहीन स्नेक सर्प यानी नॉन पॉइजनस स्नेक्स एंड पॉइजनस स्नेक्स। नॉन पॉइजनस स्नेक्स के उदाहरण टिफ्लॉप्स ले रहा हूं, ब्लाइंड स्नेक कर रहा हूं ले रहा हूं। ये अंधा होता है यानी आइज बर्रोविंग नेचर के कारण से, यानी ये बिलों में रहने वाला है इसलिए इसको ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। आई डेवलप नहीं होती, और डेवलप भी अगर होती है तो त्वचा के द्वारा बने हुए फ्लैप द्वारा ढकी हुई होती हैं, आंखें ढकी हुई होती हैं। पाइथन बहुत मजबूत और बहुत लंबा विशाल नॉन पॉइजनस स्नेक आ रहा है जिसको अजगर कहा जाता है। टायस जिसको धमन बोलते हैं, जिसको धमन सांप या स्नेक कहते हैं, नॉन पॉइजनस होता है। ट्रोपिडोनोटस पौंड या ग्रास के अंदर, तालाबों में और घास के अंदर पाए जाने वाला स्नेक है, नॉन पॉइजनस है। एरिक्स जिसके हेड जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता, और टेल जो होती है वो नुत्थन जैसी संरचना में स्नाउट में बदल जाती है, यानी टेपरिंग नहीं होती, नुकीली नहीं होती। तो हेड स्पष्ट नहीं है, तो अग्र सिरा और पश्च सिरा दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको डबल हेडेड स्नेक कहते हैं। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हेड इधर है या इधर है, आगे की ओर कौन सा है, अग्र सिरा कौन सा है, पश्च सिरा कौन सा है। वैसे इसका दूसरा नाम है दू मुही, दो मुंह यानी डबल हेडेड स्नेक। हेड के ऊपर ही तो, हेड के अग्र भाग में तो माउथ पाया जाता है, इसलिए दू मुही कहते हैं। दीज आर नॉन पॉइजनस स्नेक्स एटसेट्रा यानी इत्यादि। पॉइजनस स्नेक्स इंडियन कॉमन कोबरा जो होता है, कोबरा नाजा नाजा, दोनों प्रकार के पॉइजन्स होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हिमोटॉक्सिक। तंत्रिका तंत्र पर भी अगर ये बाइट कर जाए तो तंत्रिका तंत्र पर भी दुष्प्रभाव डालता है, पैरालाइज कर देता है। साथ में हिमोटॉक्सिक का मतलब ब्लड वेसल्स भी ब्रस्ट होने लग जाती हैं, या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। इस प्रकार की पॉइजन को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। ट्रू एंड पिटलेस वाइपर, ट्रू और पिटलेस वाइपर सा स्केल्ड वाइपर बोलते हैं, यानी आरी के समान शरीर के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, और इस दो प्रकार के होते हैं, पिटलेस और पिट वाइपर। पिट वाइपर जो होता है उसमें नेत्रों और नासा छिद्रों के बीच में एक लोरियल पिट होता है जो थर्मोरिसेप्टर की तरह ताप ग्राही अंग के रूप में कार्य कर रहा है, करता है। मैं आपको यहां पिटलेस वाइपर एक का उदाहरण दे रहा हूं, पिट वाइपर का नहीं ले रहा हूं। पिट वाइपर का मतलब है, पिटलेस का मतलब है कि लोरियल पिट आंखों और नासा छिद्रों के बीच में लोरियल पिट नहीं पाया जाता, जो ताप ग्राही अंग के रूप में कार्य करता है। और पिट वाइपर जो होगा उसमें लोरियल पिट उपस्थित होगा। और इस स्नेक की एक और विशेषता बता दूं, ये बच्चों को जन्म देते हैं वीवी पेरस होता है, ये स्नेक वीवी पेरस होता है। लास्ट आ रहा है हाइड्रोफिस, ये समुद्रों में कॉमन इंडियन सीज में पाए जाने वाला पॉइजनस स्नेक है, और लेटरली कंप्रेस्ड होता है, यानी मछलियों जैसी संरचना बन जाती है, चपटा हो जाता है ताकि तैरने में इनको सुविधा
होती है एटसेट्रा। ये हुआ स्क्वेमेटा ऑर्डर का। पहले अपन ने करेक्टरिस्टिक फीचर्स ले लिए और उसके बाद में इसकी दो सब ऑर्डर थे, ऑफिडिया लेसर्टेलिया एंड ऑफिडिया। लेसर्टेलिया का दूसरा नाम था शोरिया, ऑफिडिया का दूसरा नाम है सर्पेंटाइना। और उदाहरण है लेसर्टेलिया में लेजार्ड्स और ऑफिडिया में स्नेक्स। उन दोनों के बीच में 15 डिफरेंसेस लिए हैं और अलग अलग दोनों के एग्जाम्पल्स लिए हैं। मित्रों, कोरोना क्राइसिस के अंदर घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग की चयन में आपको अल्टरनेटिव डेज से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कोई घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। कोरोना के साथ रहना है, जीना है, कोरोना को हराना है, लेकिन इसके लिए अपने को सतर्क भी रहना है। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं और एडवाइजरीज के अंदर जो जो बिंदु अंकित किए गए हैं उनकी अनुपालना दृढ़तापूर्वक करें, इसके लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ। सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ। और जो मेरे प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रजन जो नियमित रूप से वीडियोज को वॉच करते आए हैं और करते रहेंगे, उनको तहे दिल से आभार और थैंक्स या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।